समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक तरफ बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को समर्थन देकर चौंकाया है तो दूसरी तरफ शुक्रवार को बड़ा आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा का तिरंगा यात्रा एक दिखावा है, सभी को सावधान रहने की जरूरत है, इसके जरिए भाजपा दंगा भी करा सकती है। पहले कासगंज में तिरंगा यात्रा के समय दंगा कराया था। अखिलेश के बयान के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जवाब दिया है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि दंगा कराने वाले कभी तिरंगे का सम्मान नहीं करते। बांटने का काम तो अखिलेश यादव ने किया है। जो कुनबा कभी सपा की ताकत था, आज वही सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। उनकी इसी मानसिकता की वजह से आज सपा डूबती नैया बन गई है। अखिलेश यादव ने गुरुवार को जगनेश्वर मिश्र पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा जहां से निकलती है वह लोग तिरंगा नहीं लगाते हैं। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि आरएसएस ने वर्षों तक तिरंगे का सम्मान नहीं किया, अपने कार्यालयों और मुख्यालयों पर तिरंगा नहीं लगाया। लखनऊ में सबसे बड़ा तिरंगा झंडा समाजवादियों ने जगनेश्वर मिश्र पार्क में लगाया और राष्ट्रध्वज का सम्मान किया। इसके अलावा भी कई स्थानों पर समाजवादी सरकार के समय तिरंगा ध्वज लहराया गया। भाजपा जब जब सरकार में आती है महंगाई बढ़ा देती है। देश में इतनी महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार कभी नहीं था। भाजपा का महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। आज हर चीज़ों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। दूध, दही, घी से लेकर खाने पीने की चीज़ों पर भी कभी टैक्स नहीं लगा था, पर भाजपा ने उस पर भी GST लगाकर महंगा कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने किया वही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे ढह गया। क्या बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की ईडी जांच होगी? क्या CBI जांच होगी? जो 15,000 करोड़ का एक्सप्रेस वे है, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया हो, अगले दिन ढह गया हो, क्या इसकी ईडी जांच होगी? क्या CBI की जांच होगी? सपा अध्यक्ष ने कहा कि देश में 22 करोड़ युवाओं ने नौकरी के लिए फॉर्म डाला लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली। सरकार बताए कि अग्निवीर योजना में कितने नौजवानों को नौकरी दी गई। अखिलेश बोले, भाजपा सरकार $1 trillion इकोनॉमी की बात करती है। यूपी में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ यूपी में है। सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ अपराध यूपी में हैं। मानवाधिकार आयोग ने सबसे ज़्यादा नोटिस यूपी सरकार को दिया है। सबसे ज़्यादा डिजिटल फ्रॉड उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यूपी में कैसे निवेश आएगा? डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव ने सैफई को ही पूरा प्रदेश समझ लिया था, तभी तो प्रदेश के विकास के बजाय वह सिर्फ सैफई तक ही सीमित थे। मेरी उनसे सलाह है कि रात में सपने देखने के बजाय दिन में देखना शुरू करें। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।